अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, हमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पहली किस्त को भी देख लिया था, दूसरी किस्त को भी देख लिया था। आज हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तीसरी किस्त के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। तो आए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। आज मैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की थर्ड किस्त पर रिएक्शन कर रहा हूँ और इस वीडियो को लिया गया है देखो सुनो जाना की तरफ से। तो चलें आए फिर देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। चलें जी, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इधर कायद आज़म जहाँ फ़ानी से रुख्सत हुए, उधर हुकूमती ईवानों में रवायती साजिशें जन्म लेने लगीं। इस सारे गर्दाब को अगर कोई शख्स कायद आज़म के बाद संभालने की सलाहियत रखता था तो वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान थे। खान लियाकत अली खान बानी पाकिस्तान के बाद लियाकत अली खान मुख्तार कुल हो गए और पाकिस्तान की किस्मत के अहम तरीन फैसले करने लगे। उस वक्त एक तरफ पाकिस्तान का आइन तश्कील पा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी तारीख का एक और अहम तरीन फैसला करना था। यह फैसला था रूस और अमेरिका की सर्द जंग में किसी एक का इत्तेहादी बनना या गैर जानिबदार रहना। सर्द जंग पाकिस्तान ने यह तारीखी फैसला अमेरिका के हक में किया। हालांकि पाकिस्तान के पास भारत की तरह गैर जानिबदार रहने का ऑप्शन भी मौजूद था। मेरे ख्याल से ऑप्शन बेहतर था कि आप लियाकत अली खान को सोवियत यूनियन के रहनुमा जोसेफ स्टालिन और अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन दोनों की तरफ से दावत थी, लेकिन उन्होंने मॉस्को के बजाय वाशिंगटन जाने को तरजीह दी। वाशिंगटन में हस्बे तवक्को उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। इस दौरे से सोवियत यूनियन यानी उस दौर के रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ गए। पाकिस्तान आलमी सियासत और सर्द जंग की भूल भड़ियों में उलझ कर रह गया, जिसके नतीजे में उसकी सालमियत और खुद मुख्तारी को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि पाकिस्तान आजादाना खारजा पॉलिसी के रास्ते से हट गया और आलमी ताकतों के आलायकार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। लियाकत अली खान के दौरे इक्तदार का आखिरी साल काफी हंगामा खेज रहा। 1951 में मेजर जनरल अकबर खान ने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। ये कोशिश नाकाम रही और इसके तमाम किरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी तारीख में हुकूमत का तख्ता उलटने की ये पहली गैर सियासी कोशिश थी। 16 अक्टूबर 1951 के दिन लियाकत अली खान रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब करने के लिए स्टेज पर आए। जलसे के शुरका में खड़े सैद अकबर ने वजीर आजम पर गोली चला दी। गोली सीने में लगी और पाकिस्तान का पहला वजीर आजम हजारों लोगों के दरमियान दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि लियाकत अली खान के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। इस पर जुम ये हुआ कि इस कत्ल की तफ्तीश के लिए जो पहला सबूत मैदान में मौजूद था, यानी गोली चलाने वाला सैद अकबर, उसे मौके पर ही पुलिस ने हलाक कर दिया। इस कत्ल की तफ्तीश इंतहाई गैर संजीदगी से की गई, जिसका एक सबूत यह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल केस की फाइल पेश करने का हुक्म दिया तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हैरत अंगेज जवाब दिया। उसने कहा, माय लॉर्ड, लियाकत अली खान कत्ल केस की फाइल गुम हो गई है। इस कत्ल की पूरी तफ्तीश तो कभी ना हो सकी, लेकिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहीं कि लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे अमेरिका और अफगानिस्तान का हाथ है। सियासी माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के पहले सियासी कत्ल की तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में कर ली जाती और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाती तो पाकिस्तान की तारीख मुख्य लियाकत अली खान का दुनिया से उठना था कि पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी एक मजाक बनकर रह गई, जिस पर कठपुतलियां लाई जाती और गिराई जाती। इस पर सितम जरीफी ये कि यह कठपुतलियां चलाने वाला एक माजूर और मफलूज शख्स था, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान का मुख्तार कुल बना दिया गया था। एक माजूर शख्स पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक कैसे बन गया, पाकिस्तान की कहानी जानिए। अगली एक साथ से अपडेट रहने के लिए देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए और इस सिलसिले की तमाम अकसाम देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
भाई तो आपके भाई ने आज रिएक्शन दे दिया है देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के तीसरे एपिसोड पे। पर मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि यार लियाकत अली खान को ऐसे गोली मारी गई, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाई गई और हाई कोर्ट के पूछने पर बताया गया कि ये फाइल गायब हो गई है। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे, ये वैसे आइडिया नहीं था कि इस तरह के भी मसले मसाइल हुए हुए थे। पर यह है कि हम बेहतरी की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को पाइंदा रखे और हम जो है अपने इसी मुल्क के अंदर अपनी मतलब कि वो टाइम भी देखेंगे कि जब हम भी डेवलपिंग नेशंस हो जाएं और लोग बाहर से यहाँ पे देखने के लिए आएँ और काम करने के लिए आएँ। इंशाल्लाह उम्मीद है, होप नहीं छोड़नी चाहिए और उम्मीद के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ये आपके भाई की उम्मीद है, आपकी भी ये उम्मीद होनी चाहिए। तो अपने भाई को इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।